जब तक आप सफल नहीं होगे ना, तब तक लोग आपको सफल होने नहीं देंगे, और जब आप हो जाओगे तब आपको सफल रहने नहीं देंगे। कुछ लोगों का काम जिंदगी में आपको सिर्फ नीचा दिखाने का होता है। इनकी जिंदगी का मकसद, मोटो, जो भी कह लो, कुछ भी कह लो, मगर इनका एक ही मोटिव है कि आप आगे मत बढ़ो। और ज्यादातर ये हमारे साइलेंट दुश्मन होते हैं। दुश्मन को कैसे तलवे चटवाए, दुश्मन से कैसे जीत पाए, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही सबसे पहले भगवान श्री राम जी के बारे में बताऊंगा, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बताऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमारे ग्रंथों में जो लिखा है उससे ही हम सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका असली दुश्मन कौन है। हमारा असली दुश्मन हर वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हर वो लड़की है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं और हमें पता है हमने इससे शादी नहीं करनी और फिर भी हम पीछे भाग रहे हैं, वो भी हमारा दुश्मन है। हर वो चीज़ जो आपको पैसा कमाने से रोक रही है, वो आपकी दुश्मन है। दोस्तों, जिंदगी में विपरीत परिस्थितियाँ हर किसी के साथ आती है। किसी को भी एक बारी में सक्सेस नहीं मिलती। आप बोलो, किसी को उठा के बुलाओ, भाई तुझे क्या रातों रात सक्सेस मिलेगी? क्या तुझे पैर पर पैसा आ गया? क्या तेरे पास महंगी गाड़ियां, ऑडी, बीएमडब्ल्यू रातों रात आ गई? नहीं, उसने 10 साल की मेहनत करी होगी और पेशेंटली मेहनत करी होगी, ये सोचकर कि हाँ, कि मेरे पास एक ना एक दिन पैसा आएगा। और जिनके पास जल्दी आ जाता है दोस्तों, वो उसी पैसे को बरकरार रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल को में कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नाम का इतना ज्यादा। दोस्तों, एक बारी में कामयाबी किसी को नहीं मिलती। दोस्तों, भगवान श्री राम जी पैदा हुए, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद शिक्षा ग्रहण करी, आश्रम गए, अपने गुरुवर से, अपने टीचर से शिक्षा ग्रहण करी, फिर वापस आए, स्वयंवर किया, माता सीता से शादी करी शिव धनुष को तोड़कर। दोस्तों, उसके बाद उनको उनके गुरुजन लेकर गए राक्षसों का नाश करने के लिए। जगह जगह वन में जा जाके राक्षसों का नाश किया, लक्ष्मण भगवान जी के साथ जाकर। उसके बाद जब माता कैकेयी ने अपने वर मांग कर उनको भेजा वनवास के लिए, वो वनवास गए। दोस्तों, वनवास में जाने के बाद उन्होंने रावण का संहार किया। उसके लिए जाने कितने प्रयत्न, कितने जतन, कितनी सारी मुसीबतें, कितनी सारी सुग्रीव से संधि करी, हनुमान भगवान जी से मिले, और फिर उसके बाद सेतु बांधा, पुल बांधा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके विभीषण से मित्रता करी। मतलब हजारों किस्म के भगवान श्री राम जी ने प्रयत्न करे जिंदगी में अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। करे, हम सब ने देखे, कोई डाउट नहीं है भाई, बिल्कुल करे। फिर उसके बाद अंत में मेघनाथ, कुंभकर्ण, फिर रावण जी का संहार करा। चलो जी, रावण जी मरते मरते बोल गए कि मुझे क्षमा वमा करो भाई, मैं गलत इंसान हूँ, जय श्री राम। श्री राम जी बोलकर मरे। दोस्तों, इससे भगवान ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और साथ में हमें भी एक और चीज़ सीखने को ये मिलती है कि जिंदगी में रातों रात सक्सेस नहीं मिलती। इसके लिए आपको सालों की मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न, जतन, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी मिलती है। यही सेम चीज भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म से भी हम समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए, जेल में पैदा हुए, सगा मामा उनको मारने की कोशिश करता था, फिर कंस मामा का संहार करा उन्होंने बड़े होकर। उसके बाद अर्जुन की मित्रता रखी, अर्जुन से मित्रता करके अर्जुन को सही मार्गदर्शन दिए, फिर धर्म के रास्ते में लेकर गए। सालों का प्रोसीजर था, तब जाके कामयाबी मिली। भगवान श्री राम जी चाहते तो 2 मिनट में कर सकते थे काम खत्म, सीधे करते पूरी लंका जला देते, मगर नहीं करा उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन निर्दोषों को कभी भी सजा नहीं देना चाहते थे। यही सेम चीज भगवान श्री कृष्ण जी के साथ थी। उन्होंने तो युद्ध में भाग ही नहीं लिया, वो कहते मेरे को युद्ध में भाग लेना ही नहीं था। बस एक बारी अर्जुन ने उनको विवश कर दिया तो वो युद्ध भूमि में उतर गए, मगर उसके बाद वो भी जब अर्जुन ने माफी मांगी तो वापस आ गए। दोस्तों, कहने का मतलब, कहानी का सार ये है कि जिंदगी में जब भगवान को एक दिन में कामयाबी नहीं मिली, जब भगवान ने एक दिन में कामयाबी नहीं ली जान के, बहुत सारे प्रयत्न करे, इतने सारे जतन करे, तो हम किस खेत के बैंगन हैं? हम किस खेत की मूली हैं, आलू हैं, क्या है क्या हम? हमें समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें लोगों की आदत है आपको नीचे साबित करने की।
हम ऐसे केसेस में अक्सर क्या करते हैं, हम किसी के कहने पर आ जाते हैं, वो कह देता है अच्छा ये कर दे, हम सोचते हैं यार चल ठीक है तू कह रहा है तो अब मैं इस काम को ड्रॉप कर देता हूँ, इस जॉब को ड्रॉप कर देता हूँ, इस तरीके को ड्रॉप कर देता हूँ, इस काम करने के रास्ते को ड्रॉप कर देता हूँ, इस बिजनेस को ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि पहले कामयाबी नहीं मिली। हो सकता है उसे कामयाबी ना मिली हो सकता है उसके दूर 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 के रिश्तेदार के कुत्ते के भाई के चाचा के मामा के बेटे की रिश्तेदारी ना हुई हो। हम अक्सर अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं जो जिंदगी में कामयाब ना हो। हो सकता है आपने अपने आप को किसी और ऐसे इंसान से कामयाब करा हो, कामयाबी का देखा हो, कंपेयर करा हो जो लड़की बाज हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तुम मिल ले दिल खिले कर रहा हो, मगर हम उस इंसान से नहीं देखते जो ऑलरेडी कामयाब है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कामयाबी नहीं हासिल कर पाते भाई, नहीं है उनकी लाइफ में लिखा, क्या पता आपके जीवन में लिखा हो। हो सकता है अगर आप अपने चांसेस नहीं लोगे। देखो दोस्तों, दो तरीके हैं, एक बड़ा रईस आलीशान घर, सुंदर सी वाइफ, करोड़ों का बैंक बैलेंस, बहुत ही बेहतरीन जिंदगी। दूसरा रास्ता है अपने घर की बालकनी पे बैठ के अखबार पढ़ लिया, वो भी अमर उजाला। इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे, माफ करना, पढ़ ही नहीं पाओगे यार तुम्हारे, तुम कहोगे यार क्या जरूरत पड़ी है, हिंदी हमारी मातृभाषा, अच्छी बात है हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है, मगर इंग्लिश आना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों ये जीवन में आपकी वाइफ आपसे लड़ेगी, आपके बच्चे आपको उलाना देंगे कि पापा वो तो ये चीज ले रहे मैं नहीं ले पा रहा। दूसरा रास्ता है आप पैसा कमाए, पैसा कमाओगे तो हर चीज मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले लड़कियों का त्याग करना पड़ेगा, सबसे पहले लोगों से अपने आप को कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जिंदगी में वो चीजें हासिल करनी है जो आपको करनी है एक्चुअली में। दोस्तों एक कहानी सुनाऊंगा एक गांव की, जिसके अंदर हमेशा अंधेरा रहता था, लाइट नहीं थी उस गांव में, जिस गांव में लाइट नहीं थी लोग अंधेरे में बैठे रहते थे, बड़े खुश थे, कोई टेंशन नहीं थी, सुबह उठते थे शाम को गाना गा, लोग गीत गा के सो जाते थे क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी, दिया नाम की कोई चीज नहीं थी, बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्ब नाम की कोई चीज नहीं थी, बटन दबा के मोटर से पानी कभी निकाला ही नहीं, पता ही नहीं क्या होता है भाई, हमें क्या पता साला ये क्या चीज होती है। एक दिन एक सज्जन आदमी दिया ले आया बाजार से, दिन में सब कुछ बढ़िया, किसी की छाती पे अजगर नहीं लेट रहे थे, रात रात होते होते जब उसने दिया जलाया पूरे गांव की छाती के सौ लोगों की छाती पे अजगर लेट गए कि भाई इसके घर में लाइट चल कैसे रही है, इसके घर में लाइट चल कैसे रही है, हमारे घर में तो अंधेरे पड़े हैं, हमारे बच्चे तो शाम को पढ़ नहीं पाते, हमारे बच्चे तो हमसे सिद्ध कर रहे हैं कि अब तुम भी लाओ दिया। अब इस केस में आदमियों के पास, जो गांव के लोग हैं उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो भाई गांव से जाएं दिया उठा के ले आएं, बत्ती उत्ती जलाएं, अपना उसमें डालें तेल वेल और अपना चालू करें, काफी कठिन रास्ता था ये, दिए को लाने का काफी कठिन रास्ता था, निश्चित तौर पे गांव से बहुत दूर था शहर जहां दिया मिलता था, किसी की सोच नहीं थी ऐसी, लोग सोच नहीं पाते थे कि भाई ये काम करना जरूरी है कि नहीं है, इससे होगा क्या, रात को सोने के लिए होती है, हमें कौन सा पढ़ना है, हमें कौन सा कुछ काम करना है, रात को चुपचाप सो जाएंगे, सुबह उजाला होगा, बच्चे भी तब पढ़ लेंगे, बच्चे भी सब कुछ कर लेंगे, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों और दूसरा रास्ता था दिया तो लाने से रही, क्योंकि मुश्किल रास्ता था, आसान रास्ता था, उसके घर में जाके दिए को बुझा दो भैया। तो लोग यही करने लग गए, अपने घर में तो चला नहीं, दूसरे घर में चल रहा है, बहुत बुरा लग रहा है भाई। दोस्तों यही लोगों के आज के तौर तरीके हैं, दूसरे के घर में, दूसरी की थाली में, दूसरे के साथ जब पड़ोसी के साथ अच्छा होता है ना, यकीन मानो दोस्तों इंसान की प्रवृत्ति ऐसी, उसको लगता है मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है, वो सोचता है कि यार उसके साथ अच्छा हो गया, उसके बच्चे महंगे स्कूल में जा रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं जा पा रहे, निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है। दोस्तों जिंदगी में थोड़ा बहुत गलत करना, थोड़ा बहुत जो 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 बिल्कुल सही भी लगे और गलत भी लगे, ऐसा गलत करना भी थोड़ा थोड़ा कभी कभार करना पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों इस बात को संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जब भी हाथी मार्केट जाता है ना तो लोग भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, मगर वेरास कुछ लोग हाथ जोड़कर भी खड़े होते हैं। कोई ओलंपिक खेलने जाता तो चार लोग छोड़ने जाते हैं, और अगर जीत के आ जाए तो हजारों लोग लेने आते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में लेने आते हैं। दोस्तों जिंदगी का नियम सिंपल है, लोगों की मत सुनो और अपने काम को निरंतर रोज डेली करते रहो। हो सकता है आज आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, और मिलेगी ही नहीं पहली बार में, मिल भी गई तो वो कामयाबी का कोई फायदा नहीं। दोस्तों जीत का मजा तभी है जब सब आपकी हार का इंतजार कर रहे हो।
हो सकता है आज आप नहीं जीत पा रहे हो। तो जिंदगी के दो नियम पक्का मान लो दोस्तों, लोगों की बातों से फर्क मत पड़ाओ, दुश्मन आपके बारे में क्या बोलता है उससे फर्क मत पड़वाओ अपने आप को, लोग क्या भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह आपके बारे में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। और दूसरा नियम है निरंतर प्रयास, डेली मेहनत, डेली अपने काम को करना, यही जिंदगी का नियम है और यही अगर आप करते रहोगे तो आपको कामयाबी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा इसे। जय हिंद, वंदे मातरम।